वालेकुम सलाम, कहाँ गायब थे आप इतनी देर से? आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? यू डोंट नो? आज आप क्या करने लगे? डिगिंग. यू आर गोइंग टू प्लांट. व्हाट आर यू गोइंग टू प्लांट? फ्लावर्स. यू गोइंग टू प्लांट फ्लावर्स. एंड ये कौन सा पौधा है बताएंगे आप? दिस इज रसबेरी. हमारा रसबेरी लास्ट टाइम एक पौधा था और ये इतना ज्यादा फैल गया. नो, स्ट्रॉबेरी जो है इसके अंदर छुप गया है. कहाँ गए? ये रहा स्ट्रॉबेरी. ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं. हाँ, ये स्ट्रॉबेरी के फूल भी लग रहे हैं. ये अभी हमने इसको उसके अंदर से निकालना है, ऊपर से जो है रसबेरी को थोड़ा सा कंट्रोल करना है. और आज हम करने लगे हैं गार्डनिंग का स्टार्ट. वेदर तो काफ़ी दिनों से अच्छा हो गया हुआ है, लेकिन बीच में रात को ठंडा हो जाता था, जिसकी वजह से अभी तक हमने किया नहीं था. पहले हमने यहाँ पे सारी सफाई करनी है और ये पिछले साल के पॉट्स हैं इनको भी साफ करेंगे और नए पौधे फूल लगाएंगे. हाँ जी, क्या है ये क्या चीज़ है? ये अनियन है. लास्ट ईयर का कोई अनियन रह गया और ये दो अनियन निकला है. उसके अलावा भी है, एक ये भी है अनियन. और आज हवा बहुत चल रही है तो अभी हम जी थोड़ा सा काम करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि आप क्या करते हैं आज. अगर आपको याद हो, हमने लास्ट ईयर सनफ्लावर लगाए थे और उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं वो जब सीज़न ख़त्म हुआ तो हमने उसी के अंदर काट के डाल दी ताकि ये ड्राई हो जाए और ताकि हम इसको फिर यूज़ कर सकें किसी ना किसी तरह से. लेकिन उसके बाद अभी ये सारी सफाई इसकी वजह से करनी पड़ेगी. टमाटरों के भी पौधे, मिर्चों के, काफ़ी चीज़ों के जो है ना घास काट के भी अंदर फेंकी हुई है, तो ये सारा मैं साफ़ करना पड़ेगी क्यारी को ना. तो पहले हम इसको क्लीन करते हैं बेटा, उसके बाद डिगिंग करनी है, फिर हम गोटी करेंगे. क्या क्या करेंगे? गोटी करेंगे. आपने ग्लव्स पहन लिए? दिखाएं, इतने बड़े बड़े ग्लव्स हैं आपके. कौन से कलर के पहने? ग्रीन. ओके. टहनियाँ वगैरह सारी मैंने रिमूव कर दी हैं और मेरे हेल्पर थोड़ी सी हेल्प करके अंदर चले गए लेकिन काफ़ी हेल्प किया ये सारी मेरे साथ. उन्होंने ये ब्रांचेज इधर रखाई हैं, जो वो पुराने टहनियाँ थी सूखी वो हमने वहाँ रखी और घास भी. अब इसको हम थोड़ी सी गोटी करेंगे और पत्थर वगैरह नज़र आ रहे हैं जो वो रिमूव करेंगे. और पीछे से जो घास है ये देखें उगाई भी है, इसको मैंने ख़त्म करना है ताकि जो है ना हमारे पौधों के लिए जगह बचे. तो ये घास ख़त्म करते हैं और ये ज़मीन को गोटी करके हम बराबर करते हैं. उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप. और ये गमले भी सारे रेडी करने हैं. काफ़ी काम है, बहुत सारा काम है. टाइम कम है, मुकाबला सख्त है. चले जी, हमारे हेल्पर आ चुके हैं. थैंक यू फॉर हेल्पिंग. हाँ, अभी ये सारे कर देंगे मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला. और कुछ मामा करेंगे, कुछ मेरा बेटा करेगा. और ये अनियन हम निकाल लेते हैं क्योंकि ये अनियन इस्तेमाल के लिए भी सही है. तो वहाँ पे भी हैं, ये मैं निकाल लेती हूँ. ये अनियन निकाल लेते, देखते कितना बड़ा अनियन है. अच्छा, ये दो हैं लग रहे. हाँ, अनियन तो इतना बड़ा नहीं है लेकिन ऊपर ग्रीन कितना बड़ा हुआ है माशाल्लाह. चले, और ये वाले भी हैं. या लास्ट ईयर की जो एफर्ट है वो काम आ गई ना. ये हमने उतार लिए हैं. तो हमें पिछले साल का तोहफा मिल गया. इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह. हाँ, कि लास्ट ईयर हमने लगाए, हमें इस साल ग्रीन ग्रीन अनियन भी मिल गए. मैं ये घास को सही करती हूँ, पीछे से ख़त्म करती हूँ. ये काम जारी है, सारी है. कोई बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, वो भी साइड पे कर दें, निकाल के साइड पे रख दें कभी जरूर, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है हमें बीच में पत्थर रखने की पौधों के दरमियान. इधर साइड पे रख दो. करें प्रोग्रेस, चेक करें. काफ़ी हद तक प्रोग्रेस हो गई है. और अभी पीछे जो फैब्रिक है वो मैंने सही करना है और उसके ऊपर ये जो स्टोन है या ईंटें जो भी हैं वो रख देंगे ताकि जो पीछे से पीछे वालों की जो घास है वो हमारी तरफ ना आए, हमारी क्यारियों में ना जाए. एक तो
यहाँ से टमाटर लगाना शुरू करते हैं। मैंने कहा यहाँ से टमाटर लगाना शुरू करते हैं। Catch him.